नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल वेजिटेरिया में। दोस्तों 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि लोन मोनिटोरियम की जो अवधि है उसको अब नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी कि पिछले साल जो लोन मोनिटोरियम 6 महीने की सुविधा दी गई थी उसमें अब किसी प्रकार का कोई एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा। तो इससे जो छोटे और मिडिल क्लास के कर्जदाता हैं उनके ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, और यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल वेजिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले लॉ संबंधित, सरफेसी एक्ट संबंधित हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि 23 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले को जो सुरक्षित रख लिया था दिसंबर महीने में, उसमें निर्णय दिया और कहा कि अब लोन मोनिटोरियम की जो अवधि थी उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने जिस प्रकार की गाइडलाइन जारी की थी उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो इससे जो छोटे और मिडिल क्लास के कर्जदाता हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि बैंकों की तरफ से जिस प्रकार से रिकवरी की जा रही है, कहीं कहीं बैंक सीधे बिना नोटिस दिए ऑक्शन कर दे रहे हैं कस्टमर्स के प्रॉपर्टी को। तो इसमें बैंकों को एक खुली छूट मिल गई है, अब वह किसी प्रकार से उपभोक्ताओं को कोई सहूलियत देते नज़र नहीं आ रहे हैं और सीधे कार्रवाई कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दे रहे हैं। तो इससे जो भी छोटे और मिडिल क्लास के कर्जदार हैं उनकी प्रॉपर्टी सीधे ऑक्शन हो जा रही है और बैंक उनकी प्रॉपर्टी को बेच करके अपना पैसा वसूल ले रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत है। तो इसमें जो भी बॉरोवर के वकील हैं विशाल तिवारी, उनकी तरफ से एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डालने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना रिव्यू पिटीशन के यह फैसला सभी वर्ग के लोगों के लिए खतरा है और ख़ास तौर से जो छोटे और मिडिल क्लास के उपभोक्ता हैं उनके ऊपर आर्थिक रूप से यह एक बहुत बड़ा दबाव होगा। तो उम्मीद है कि जो भी बॉरोवर के रिप्रेजेंटेटिव हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने लोन मोरेटोरियम के लिए एक पिटीशन फाइल की थी, उसमें एक रिव्यू पिटीशन जरूर से फाइल करें ताकि जो छोटे और मिडिल क्लास के कर्जदाता हैं उनकी मदद हो सके और उनको न्याय मिल सके। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइएगा, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल वेजिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।